नमस्कार, अली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त यहाँ पर जो प्रेस क्लब के बाहर रिटायर्ड पुलिस पर्सनल और रिटायर्ड फायर फाइटर एसोसिएशन के लोग यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आइए जानते हैं कि ये धरना प्रदर्शन के में इनकी क्या डिमांड्स हैं। जी सर, सर हमारा पेयल अमली का मसला है, 1196 से लेकर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको हल करने की कोशिश नहीं की। फिफ्थ पे कमीशन जो है पूरी स्टेट को दिया गया, स्टेट एम्प्लॉय को दिया गया, मास वाई पुलिस को डिनाई किया गया। तो हम बार बार यहाँ प्रोटेस्ट और धरने पर आते हैं और आप लोगों की आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट के कानून तक ये बात पहुँचाते हैं कि हमारे इस दराने मसले को ज़्यादा से ज़्यादा हल किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट के कान पर टस से मास नहीं जो नहीं सिर करे। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल किया जाए, और उसके बाद जो हमने डीजी वैद साहब से जो सर्कुलर निकाले थे कि भाई ये पुलिस एक जब उसकी डेथ होती है गार्ड ऑफ ऑनर आर्मी तर्ज पर दी जाए, उन्होंने 2017 में ये सर्कुलर निकाला था, और किसी भी एसएचओ ने आज तक ये हिमाकत नहीं की उस ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ना ही किसी एसएसपी ने। हम डीजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस डीजी साहब के ऑर्डर की कंप्लेंस की जाए, और कम से कम सोसाइटी में इन लोगों ने भी कल रिटायर आना है, ये परमानेंट यहाँ नहीं रहेंगे। तो लिहाजा एक मान मर्यादा होती है, एक रिस्पेक्ट इज्जत होती है। उसके बाद जब दूसरा 18 में निकाला था सर्कुलर कि भाई ये जो उनको थाने में जाता है रिटायरी, और उसको रिस्पेक्ट इज्जत और उसकी ग्रीवेंसेस को ठीक तरीके से सुना जाए, लिहाजा वो भी कोई बाधर नहीं कर रहा। तो लिहाजा हम डीजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, और गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त है कि मेडिकल अलाउंस सेंट्रल पैटर्न पर दिया जाए, जबकि उनको 1000 रुपया दिया जाता है, हमें 300 रुपया ही दिया जा रहा है इस महंग पाई के दौर में। तो कम से कम हम भी यूटी में आते हैं तो हमारे साथ भी उनको 2 जुलाई 2017 से दिया जा रहा है, तो हमें भी कम से कम वो मिलना चाहिए। रही बात जो हार्नस चाइल्ड हैं, छोटे बच्चे जो लोग दौरान डिप्टी जन की डेथ हुई है उनके हार्नस चाइल्ड थे, तो उनको अपॉइंटमेंट का मसला है, वो भी बहुत बड़ा मसला है, तो उनको हल करने की कोशिश की जाए। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हैंड टू मौत हैं, उनके घर का चूल्हा जलना मुश्किल है। तो मैं गवर्नर साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि उनका जो जल्दी से जल्दी उनकी अपॉइंटमेंट की जाए, ताकि जो हमारे साथी इस दुनिया से चल बसे उनके बच्चे, उनके घर गृहस्थी और उनका चूल्हा चलना चाहिए। थैंक यू।